हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, आप ये देख के समझ गए होंगे ज़रूर मैं आज आपके लिए कोई भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ जी, आज मैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो बनानी बहुत आसान और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनती है। एज अ स्नैक भी खाई जाती है और खाने में आप रात में दाल के साथ बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। तो देखिए, भिंडी तो मैंने काट के रख ली है, पर मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी ज़रूर तो मैं कैसे काटना है। तो मैंने थोड़ी सी भिंडी रखी हुई, ये अराउंड 300 ग्राम्स मैंने भिंडी ली है। तो चलिए मैं थोड़ी सी भिंडी काट के भी आपको बता देती हूँ कि भिंडी काटने का तरीका क्या है। इसको सबसे पहले हमने ऊपर से काट लिया, इसको नीचे से काट लिया। अगर भिंडी बड़ी है तो दो टुकड़े करने, आप जितने साइज की बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने कर दिया। और कोशिश करिए अगर इसी समय यूं करके इसके बीज निकाल दीजिए चाकू से। ये देखिए, बीज निकालने इसलिए भी ज़रूरी होते हैं, नहीं तो ये अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जो भी हम इसमें बेसन या कुछ भी जो भी डालेंगे फ्राई करने के लिए, वो उसको गीला कर देगा, जिससे कि भिंडी क्रिस्प नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर दो टुकड़े कर दें तो दो टुकड़े कर दीजिए, जितनी पतली आपको करनी है भिंडी। ये देखिए, मेरे हिसाब से तो बीच से दो टुकड़े करिए, जो मैंने करे हैं, और उसके बाद वैसे दो टुकड़े कर दीजिए। मैं एक और बता देती हूँ आपको, पूरा लंबा लंबा। ये देखिए, बीच से काट लिया, इसके बाद इसके देखिए बीजे निकाल लिए चाकू से। ये देखिए, इस तरह से बहुत ईजिली निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दो टुकड़े कर लिए इसके, अगर आपको इसके बीच से दो टुकड़े और करने, ये देखिए इधर से भी बीजे, ये देखिए चेक कर लेंगे बीजे नहीं है। आपको अगर इतना लंबा रखना है इतना रखिए, अगर आपको दो पीसेस करने, ये देखिए इस तरीके से इसके बीजे निकाल लेंगे सारे। बस मेन भिंडी में इसमें काम यह है, भिंडी को काटना और बीज निकालना, अदरवाइज ये भिंडी बनानी बहुत बहुत आसान है। ये देखिए, इस तरीके से हम भिंडी काट लेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से आपने जितनी भिंडी बनानी है, मैंने आपको बताया मैंने अराउंड 300 ग्राम्स भिंडी ली है। तो चलिए अब हम भिंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, भिंडी तो हमारी कट गई है, इसी तरह मैंने दो तीन हरी मिर्चें ले ली है, इसी तरह इसको भी ऐसे ही हम देखिए साफ कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जनरली मैंने देखा है भिंडी बहुत पसंद होती है, बच्चे सभी बच्चे भिंडी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा अगर इसके बीज निकाल देंगे तो वो मिर्ची उतनी तीखी रह नहीं जाएगी, आपको पता है। तो इसके बीजे निकाल देंगे, पर थोड़ा सा एक फ्लेवर दे देगी भिंडी को। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसके भी सारे बीजे निकाल देंगे भिंडी के। आप एक मिर्ची डालिए, दो डालिए, तीन, आप कितना स्पाइसी खाते हैं कितना, उसी हिसाब से आप ये इसी तरीके से मिर्ची भी कर लीजिए। भिंडी में अब हम मसाले डालें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, टू टेबल स्पून चावल का आटा, राइस फ्लोर डालेंगे, और इसके बाद बस, कई लोग इसमें मैदा डालते हैं, आरारूट डालते हैं, वो सब मैं नहीं डालती, उससे घी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आप इससे बना के देखिएगा। उसके बाद ये ग्रीन चिलीज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी बारी है ड्राई स्पाइसेस डालने की। तो इस समय आप या तो इसमें अगर खट्टा करना है उसके लिए आप लेमन जूस भी आधा डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अमचूर पाउडर या चाट मसाला हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे हम लोग, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भर के ये रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और अराउंड 1 टीस्पून इसमें डल जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट टू टेस्ट है, देखिए आपने सॉल्ट कितना खाते हैं, कम ज़्यादा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से, देखिए इसको स्पून से होगा नहीं, मैं हाथ से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। देखिए,
अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, पर ये अभी देखिए बिल्कुल ड्राई है, तो इसमें हम इस समय पे थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा जरा जरा सा करके डालेंगे, क्योंकि जिससे ये जो मसाले हैं भिंडी में चिपकने भी तो चाहिए ना, बिल्कुल ड्राई नहीं तो घी में फैल जाएंगे मसाले सारे। जितनी ज़रूरत हो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए नीचे से हिलाते रहेंगे भिंडी को, ये देखिए नीचे का ड्राई आ गया। इस समय हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ये बस इतना डालना है कि जिससे मसाला भिंडी में चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए हम नीचे से ऊपर को लाएंगे भिंडी, क्योंकि सूखा नीचे है सारा। ये देखिए ये है, ये थोड़ा सा आ गया, इस समय थोड़ा सा फिर डालेंगे। इसको हाथ से मिक्स करते रहेंगे। ये भिंडी इतनी कुरकुरी बनती है कि शाम को ऐसा स्नैक भी कई लोग मैंने देखा है खाते हुए, बहुत अच्छी लगती है। आपको देखने के बाद सुनने में लगेगा ना भिंडी है, पर जब ये बन जाएगी ना कुरकुरी भिंडी, तो आप देखिएगा कितनी टेस्टी लगती है ना। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। देखिए हमारी भिंडी हो गई है, देखिए मसाला अच्छे से चिपक गया, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए, और ये ध्यान रखना है कि ऑयल इसके लिए बहुत गर्म, अच्छा गर्म होना चाहिए, तेज। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल गर्म करने रख देते हैं। देखिए ऑयल हम एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत गर्म होना चाहिए ऑयल। एक हम भिंडी डाल के देखेंगे इसमें, देखिए बिल्कुल बहुत, और ठंडा भी नहीं करना इसमें हमें, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से देखिए डालते जाएंगे। देखिए इसमें हमने बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए, और चावल का आटा डाला है क्रिस्प करने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, दो बार में तल लेंगे हम लोग इसको। अभी हम ये पलटेंगे नहीं, थोड़ी देर एक मिनट के लिए इसको फ्राई होने देते हैं। हम इस तरह बीच में थोड़ा सा भिंडी को हल्का हल्का सा हिला लेंगे, इसको फ्राई होने देंगे। इसको हमें क्रिस्प करना है अच्छे से। देखिए भिंडी बहुत अच्छे से क्रिस्प होने लगी है, अभी भी लगेगा। इसको अराउंड देख लीजिएगा, बाकी आप 3 से 4 मिनट होने में, बिल्कुल हमें बिल्कुल क्रिस्प करनी है करारी। इसको अभी हम 1 मिनट और कर लेते। देखिए हमारी भिंडी हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे, बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। ये देखिए मिर्चे भी हमने बीच में, देखिए मिर्च भी आई हुई है, और मिर्चे कड़वी नहीं होंगी क्योंकि हमने उसका बीज अच्छे से निकाल लिया। ये देखिए ये हमारी कुरकुरी भिंडी हो गई है, एक लॉट तैयार हो गया है। अब हम चलिए दूसरा जितना बचा हुआ था वो भी ऑयल में डालते हैं। हमारे दूसरे लॉट की भी भिंडी तल गई है ये भिंडी, चलिए अब हम इसको सर्व कर। देखिए हमारी कुरकुरी भिंडी बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम देखिए एक एक कुरकुरी भिंडी देखिए बिल्कुल अलग बनी है। ये देखिए अब एक बार बनाइए, बड़ा मज़ा आएगा। इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा अगर ग्रीन कोरिएंडर डाल दीजिए। ये देखिए
हमारी कुरकुरी भिंडी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर बनाइए और बताइएगा आपकी कैसी बनी। बस यही मैंने आपको बताया कि आप चावल का आटा और बेसन डालिएगा, मैदा अरारोट वगैरह मत डालिएगा, उससे घी ऑयल बहुत गंदा हो जाता है। इससे आपका ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा बेसन का जो छोटा छोटा रह जाता नीचे, अदरवाइज बिल्कुल बढ़िया से बनेगी, एक एक अलग अलग दाना बनेगा भिंडी का। चलिए, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।